प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम पर प्रेम भरा नमस्कार। प्रभु की असीम करुणा से पिछले 5 साल से शुभ संदेश चैनल द्वारा प्रस्तुत किए इस जीवन जल कार्यक्रम में आपका स्वागत करते हैं। यह कार्यक्रम बहुत प्रियजनों के जीवन में प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करके उद्धार पाने और मसीह जीवन के लिए एक आशीष का कारण हो गया है। प्रभु की महिमा हो। परमेश्वर का वचन कहता है, क्या ही धन्य है हर एक जो यहोवा का भय मानता है और उसके मार्गों पर चलता है। यही इस जीवन जल कार्यक्रम का उद्देश्य है कि आप अपने परिवार के साथ परमेश्वर के वचन में सच्चाई का मार्ग एवं प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास के द्वारा सच्चाई का जीवन अनुभव कर सके। आपके और आपके परिवार का उद्धार और आशीष का कारण ठहरे, यही हमारी प्रार्थना है। इस कार्यक्रम का लाभ उठाते हुए आप इस विषय में जरूर अपने पड़ोसी और प्रियजनों के सूचित करें। साथ ही करस्पॉन्डन के माध्यम द्वारा मराठी, हिंदी और अंग्रेजी भाषा में बाइबल का अध्ययन भी कर सकते हैं। प्रभु का वचन सुने और आशीष पाए। आमेन। जीवन जल कार्यक्रम देखने वाले सभी दर्शकों को जगत के उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में नमस्कार। यूहन्ना अध्याय 7 और पद 37 में पवित्र शास्त्र वचन में ऐसा लिखा हुआ है, यीशु ने लोगों को पुकार कर कहा, यदि कोई प्यासा हो तो मेरे पास आकर पिए। जो मुझ पर विश्वास करेगा उसके हृदय में से जीवन के जल की नदियाँ बह निकलेंगी। क्या आप जीवन में प्यासे हैं या सच्चाई की तलाश में हैं? प्रभु यीशु मसीह आपके प्यास को बुझाना चाहते हैं, आपके सवालों का जवाब देना चाहते हैं। के सभी प्रिय श्रोताओं को प्रभु यीशु मसीह के मधुर पावन नाम में जय मसीह की। कितना हर्ष का विषय है परमेश्वर के वचन के साथ आपके सन्मुख आना और इस माध्यम से परमेश्वर के वचन को आप तक पहुंचाना, क्योंकि परमेश्वर के वचन को सुनने और परमेश्वर के वचन के मानने से हमारे जीवन में हम बरकत और आशीषें प्राप्त करते हैं। जी हाँ मित्रों, आज एक बार फिर परमेश्वर ने यह अवसर हमें दिया कि हम आपके बीच परमेश्वर के वचन के साथ आए हैं। आज मैं आपका ध्यान परमेश्वर के वचन पवित्र बाइबल के एक पद पर मैं आकर्षित करना चाहता हूं, और वो पद है दूसरा कुरिन्थियों की पत्री, उसका 9 अध्याय और उसके 15 पद में इस प्रकार लिखा है, परमेश्वर का उसके उस दान के लिए जो वर्णन से बाहर है धन्यवाद हो। दोबारा पढ़ना चाहता हूं, परमेश्वर का उसके उस दान के लिए जो वर्णन से बाहर है धन्यवाद हो। कितनी बड़ी बात है। प्रेरित पौलुस प्रभु यीशु मसीह के विषय में लिखते हुए यहां पर कहते हैं, परमेश्वर का वह दान जो वर्णन से बाहर है, जो अवर्णनीय है, जिसका हम कभी भी मनुष्यों के शब्दों में पूर्ण वर्णन नहीं कर सकते हैं, उस अवर्णनीय दान के लिए परमेश्वर का धन्यवाद हो। अजीजों, परमेश्वर का वो दान प्रभु यीशु मसीह है। वो प्रभु यीशु मसीह के विषय में और उस परमेश्वर के दान के विषय में, परमेश्वर के उस उपहार के विषय में कुछ बातें मैं आपको बताना चाहता हूं। एक बड़ा सत्य
जो परमेश्वर का वचन हमें बताता है वह यह है, जो ये दान परमेश्वर प्रत्येक मनुष्यों के लिए देना चाहते हैं, बाइबल हमें बताती है परमेश्वर ने वो दान दे चुके हैं। परमेश्वर वो अवर्णनीय दान अर्थात प्रभु यीशु मसीह दे चुके हैं। यूहन्ना रचित सुसमाचार 3 अध्याय उसके 16 पद में हम पढ़ते हैं, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। आपने ध्यान दिया, प्रभु यीशु मसीह ने कहा परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, दे चुका है। परमेश्वर अपना अवर्णनीय दान दे चुके हैं। कौन है? प्रभु यीशु मसीह। आज से लगभग 2000 साल पहले प्रभु यीशु मसीह मनुष्य अवतार लेकर इस दुनिया में आए। हमारे पापों और गुनाहों के बदले में प्रभु यीशु मसीह ने अपना प्राण क्रूस पर दिया। परमेश्वर का दान बनकर प्रभु यीशु मसीह इस संसार में आए। जब प्रभु यीशु मसीह को यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने देखा तो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने कहा, देखो ये परमेश्वर का मेमना जो संसार के पापों को उठा ले जाता है। जी हां, परमेश्वर अपना दान दे चुके हैं। इसलिए यीशु मसीह ने कहा परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया। परमेश्वर अपना काम कर चुके हैं। इसलिए प्रेरित पौलुस भी कहते हैं परमेश्वर का उसके उस अवर्णनीय दान के लिए जो उसने हमें दिया है धन्यवाद हो। परमेश्वर अपना दान दे चुके हैं। यही नहीं, जब हम यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 1 अध्याय और उसका 12 पद जब हम पढ़ते हैं, एक दूसरी सच्चाई को हम वहां पाते हैं। वहां पर लिखा है, पर जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर के संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। आपने सुना, यहां पर लिखा है जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर का संतान होने का अधिकार दिया। मतलब जितनों ने स्वीकार किया, जितनों ने ग्रहण किया, परमेश्वर अपना दान दे चुके हैं। अब आपको क्या करना है? उस दान को ग्रहण करना है, उस दान को जीवन में स्वीकार करना है, उस प्रभु यीशु मसीह को जीवन में स्वीकार करना है। कितनी बड़ी बात है, परमेश्वर अपना दान दे चुके हैं। प्रभु यीशु मसीह का इस संसार में आना इस बात को साबित करता है कि परमेश्वर अपना दान दे चुके हैं। इतिहास इस बात का गवाह है। प्रभु यीशु मसीह का जन्म इतिहास को 2 भागों में बांट गया, ईसा पूर्व और ईसवी। प्रभु यीशु मसीह के जन्म के बाद 2 भागों में इतिहास बट गया और परमेश्वर ने अपना दान संसार के सब लोगों के लिए दिया। अब हमें क्या करना है? उस दान को स्वीकार करना है, उस दान को ग्रहण करना है। जब आपके घर में खुशियों का अवसर होता है या जब आपके घर में किसी का जन्मदिन होता है, आप अपने मित्रों को बुलाते हैं आपके जन्मदिन के दिन और आपके मित्र आकर आपको तोहफे देते हैं, आपको दान देते हैं, आपको उपहार देते हैं, आप क्या करते हैं? उस उपहार को आप ग्रहण करते हैं। ऐसे ही प्रभु यीशु मसीह के साथ हमें करना है। परमेश्वर ने अपना तोहफा, परमेश्वर ने अपना वरदान, परमेश्वर ने अपना अवर्णनीय दान प्रभु यीशु मसीह को दे चुके हैं। अब मैंने और आपने उस
प्रभु यीशु मसीह को विश्वास के साथ अपने जीवन में ग्रहण करना है। परमेश्वर के वचन में साफ लिखा है, जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर का संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं, जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। हमें और कुछ नहीं करना है, और कहीं जाना नहीं है, और कुछ खर्च नहीं करना है, केवल प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करना है। विश्वास के साथ प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में ग्रहण करना है। प्रभु यीशु मसीह इस संसार में आए, पापियों के लिए उन्होंने अपना प्राण कलवरी क्रूस पर दिया। उन्होंने कोई खता, कोई गुनाह, कोई पाप नहीं किया था, इसलिए बाइबल हमें बताती है जब प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर लटकाया गया था, जब उसके शरीर पर सितम डाले गए, जब उसको मारा पीटा गया, जब उसके हाथों और पैरों में कीले ठोका गया, जब उसके पसली में भाला छेदा गया, जब उसके सर पर कांटों का ताज रखा गया, जब उसको लहूलुहान किया गया, जब उसको क्रूस पर चढ़ाया गया, ये सारी बातें एक सैनिक, एक रोमी सेना का सूबेदार देख रहा था। ये सारी बातें देखने के बाद उसने अंत में क्या कहा मालूम है? उसने अंत में कहा, सचमुच यह मनुष्य धर्मी है, यह धर्मी मनुष्य है, प्रभु ने कोई गुनाह नहीं किया, लेकिन मेरे और आपके पापों के लिए, हमारे खातिर प्रभु यीशु मसीह ने कलवरी क्रूस की वो श्रापित मौत को सहा। और आज प्रभु यीशु मसीह को विश्वास के साथ हमें अपने जीवन में ग्रहण करना है। हमारे खातिर प्रभु ने सब कुछ पूरा किया है। प्रभु यीशु मसीह मारे गए, गाड़े गए, तीसरे दिन जी उठे। जो भी काम उद्धार के लिए करना था, जो भी काम मुक्ति के लिए, पापों से छुटकारे के लिए करना था, वो सब प्रभु यीशु मसीह ने किया है। और आज जरूरत इस बात की है, प्रभु यीशु मसीह के उस दान को विश्वास के साथ अपने जीवन में हम स्वीकार करें। अजीजों, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आपने प्रभु यीशु मसीह को विश्वास के साथ अपने जीवन में स्वीकार किया है या नहीं? क्या आपने परमेश्वर के उस अवर्णनीय दान को अपने जीवन में आपने ग्रहण किया है या नहीं? यदि नहीं, अभी भी समय है, इसके पहले कि बहुत देर हो जाए, इसके पहले कि समय समाप्त हो जाए। समय रहते हुए मेरी आपसे निवेदन है कि आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करें। प्रभु यीशु मसीह से कहना है पूर्ण विश्वास के साथ, हे प्रभु यीशु मसीह, मैं मानता हूं कि मैं पापी हूं, मुझ पापी पर दया कीजिए, मेरे पापों को क्षमा कीजिए, मैं आप पर विश्वास करता हूं, मैं आपको मेरे जीवन में ग्रहण करता हूं। यदि आप ऐसी प्रार्थना करेंगे, प्रभु आपके सारे पापों को क्षमा कर आपके जीवन में अनंत जीवन की आशीषें प्रभु प्रदान करेंगे। जी हां, परमेश्वर अपना दान दे चुके हैं, अब आपको उस दान को विश्वास के साथ जीवन में ग्रहण करना है, जीवन में स्वीकार करना है। और एक और खास बात मैं बताना चाहता हूं, पहला यूहन्ना की पत्री जब हम पढ़ते हैं, उसके 5 अध्याय और उसके 12 पद में हम इस प्रकार पढ़ते हैं, जिसके पास पुत्र है उसके पास जीवन है, जिसके पास परमेश्वर का पुत्र नहीं उसके पास जीवन भी नहीं है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब परमेश्वर के उस दान को निश्चित तौर पर यकीन के साथ, एक दृढ़ निश्चय के साथ, संपूर्ण विश्वास के साथ, पक्के तौर पर जीवन में हमें स्वीकार करना है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, प्रभु यीशु मसीह के बारे में
प्रभु यीशु मसीह के विश्वास के बारे में आपको पूरा यकीन है या अधूरा यकीन है? क्या आपने संपूर्ण हृदय से प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया है? मेरा सवाल ध्यान से समझना। मैं ये नहीं पूछ रहा हूं आप चर्च जाते हैं या नहीं, मैं ये नहीं पूछ रहा हूं आप बाइबल पढ़ते हैं या नहीं, मेरा सवाल ये नहीं है कि आप रोज दुआ करते हैं या नहीं। मैं आपसे एक सीधा सवाल पूछ रहा हूं कि आपने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया है? अजीजों, स्मरण रहे, परमेश्वर का वचन साफ तौर पर कहता है, जिसके पास परमेश्वर का पुत्र है उसके पास अनंत जीवन है। जिसके पास परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु मसीह नहीं है उसके पास अनंत जीवन भी नहीं है। फिर चाहे आप कुछ भी करें, चाहे आप कुछ भी पढ़ें, चाहे आप कहीं भी जाएं, चाहे आप कुछ भी नेक काम करें, अनंत जीवन स्वर्ग राज्य में आप प्रवेश नहीं कर पाएंगे। ये प्रभु यीशु मसीह केवल आपके बुद्धि का ज्ञान नहीं होना चाहिए, ये प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन का एक अनुभव होना चाहिए। मैंने एक कहानी ऐसे किताब में पढ़ा, विदेश की किसी देश की बात है, और बहुत सारे बड़े बड़े लोग इकट्ठे हुए थे और बहुत सारे बड़े बड़े मंत्री और शाही परिवार और बड़े मंत्री लोग, बड़े अधिकारी लोग वहां पर जमा हुए और एक खास अभिनेता को वहां पर बुलाया गया और उस अभिनेता ने जब उनको परफॉर्म करने का समय आया, अभिनेता ने पूछा, भाइयों और बहनों, सज्जनों, आप लोग क्या चाहते हैं कि मैं आपके लिए करूं? एक पल की खामोशी के बाद एक बुजुर्ग वार उठे। उस बुजुर्ग ने अपनी धीमी आवाज में कहा, जनाब भजन संहिता 23 हमें बोलकर सुनाइए। ये अभिनेता भजन संहिता 23 वो जानते थे, बोलकर सुनाया, पूरे 6 पद बोल दिए और जैसे ही उन्होंने बोलना खत्म किया सब लोगों ने तालियां बजाई, सब लोग वाह वाह करने लगे, सब लोग शाबाशी देने लगे, कहने लगे क्या आवाज है, क्या अदाएं हैं, क्या अंदाज है, क्या बात है, गजब, बहुत अच्छा। जब सब कुछ थम गया, जिस बुजुर्ग ने कहा भजन 23 बोलकर सुनाइए, वो बुजुर्ग उठकर अभिनेता के पास आए। अभिनेता ने अपना माइक उनको दिया, उस बुजुर्ग ने भजन संहिता 23 बोलना शुरू किया। अपने कमजोर आवाज में, अपनी लड़खड़ाती जुबान से उन्होंने बोलना शुरू किया, पूरे 6 पद बोल दिए। फिर क्या हुआ मालूम है? एक भी ताली नहीं बजी, एक भी जुबान ने वाह 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 नहीं किया। अभिनेता ने इस बुजुर्ग से अपनी नजरें हटाकर लोगों को जब देखा, उसको आश्चर्य हुआ यह देखकर कि एक भी आंख सूखी नहीं है, सब आंखों में आंसू है। तब उस अभिनेता ने वापस वो माइक बुजुर्ग से लिया, उनको और अपने करीब बुलाया और लोगों से कहा, सज्जनों, आपके सिफारिश पर मैंने भजन संहिता 23 बोला, इन्होंने भी भजन संहिता 23 बोला, लेकिन मैंने आपके कानों को स्पर्श किया मगर इन्होंने आपके हृदय को स्पर्श किया। और यह फर्क इसलिए है क्योंकि मैं 23 भजन संहिता जानता हूं मगर यह बुजुर्गवार 23 भजन संहिता के अच्छे चरवाहे को जानते हैं। अजीजों, क्या यह बात सत्य नहीं? आज अनेक लोग 23 भजन संहिता जानते हैं, शायद आज अनेक लोग चर्च जाते हैं, अनेक लोग बाइबल पढ़ते हैं, दुआ करते हैं, कदाचित अनेक लोग प्रचार भी करते हैं, लेकिन बाइबल स्पष्ट तौर पर बताती है, जिसके पास प्रभु यीशु मसीह है
उसके पास जीवन है जिसके पास प्रभु यीशु मसीह नहीं है। कुछ भी कर ले, अनंत जीवन का वारिस नहीं बनेगा। अजीजों, आपका क्या हाल है? दृढ़ निश्चय कर लीजिए, परमेश्वर ने उपहार दिया है, आपको उपहार ग्रहण करना है, निश्चित तौर पर यकीन के साथ ग्रहण करना है, नहीं तो एक और काम हो सकता है। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 3 अध्याय और उसके 18 पद में हम इस प्रकार पढ़ते हैं, जो उस पर विश्वास करता है उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, परंतु जो विश्वास नहीं करता वह दोषी ठहर चुका है, इसलिए कि उसने परमेश्वर के इकलौते पुत्र के नाम पर विश्वास नहीं रखा। परमेश्वर ने जो उपहार दिया है उसे विश्वास के साथ ग्रहण करना है, दृढ़ यकीन के साथ ग्रहण करना है, अन्यथा मूर्खता से आप उसे ठुकरा भी सकते हैं। अपनी मूर्खता के कारण आप उसको ठुकरा भी सकते हैं और परमेश्वर के नजरों में दोषी ठहर सकते हैं। ऐसा आपके जीवन में ना होने पाए, लेकिन मेरी प्रभु से यही प्रार्थना है, परमेश्वर के उस अवर्णनीय दान को आपके जीवन में स्वीकार करें, यकीन के साथ, निश्चय के साथ स्वीकार करें, इसमें कोई शक और संदेह आपके जीवन में ना होने पाए। ऐसा करने के लिए परमेश्वर आप सबकी सहायता और मदद करे। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे जीवित महान स्वर्गीय पिता परमेश्वर, आपके उस अवर्णनीय दान प्रभु यीशु मसीह के लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं। मेरी प्रार्थना है आज सुनने वाले सभी श्रोताओं को आप ऐसा अनुग्रह दे कि आपके उपहार को, प्रभु यीशु मसीह को, सब लोग अपने जीवन में ग्रहण स्वीकार कर सके। आदर और जलाल आपको प्रदान करते हुए धन्यवाद के साथ ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। धन्यवाद। अगर परमेश्वर ने इन वचनों के द्वारा आपसे बातें की हैं और आप इस विषय पर अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं या किसी प्रार्थना के विषय को बांटना चाहते हैं, तो निस्संदेह हमसे संपर्क करें। हमारा पता: जीवन जल, नव भावना बिल्डिंग, 422 SVS रोड, पोस्ट बॉक्स नंबर 19161, प्रभा देवी, मुंबई 40025। प्रार्थना एवं मुफ्त बाइबल कॉरेस्पॉन्डेंस कोर्स के लिए हमें संपर्क करें। अपना नाम और पूरा पता तुरंत SMS करें इस मोबाइल नंबर पर 09892580744। ईमेल ID gospelbroadcast@yahoo.com। वेब एड्रेस www.lwgb.org। यूट्यूब एड्रेस jeevanjaltv@YouTube। जीवन जल कार्यक्रम को हर सोमवार शाम 6:30 बजे और हर शनिवार रात 9 बजे इसी चैनल पे आप देख सकते हैं। धन्यवाद। जीवन जल कार्यक्रम को हर सोमवार शाम 6:30 बजे, हर बुधवार शाम 6:30 बजे और हर शनिवार रात 9 बजे इसी चैनल पे आप देख सकते हैं।